देखिए डर का बात है, अलायंस ऑफ नर्वसनेस, ये डर का अलायंस किसका है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। अगर ये डरते नहीं तो अलायंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? दूसरी बड़ी बात है, देखिए आज देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि मेहनत क्या होता है इस प्रधानमंत्री ने दिखा दिया है। 10 वर्ष आप सोचिए, प्रधानमंत्री थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं था क्योंकि वो राज्यसभा से आते थे, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, केवल 10 जनपद जाते थे, हाथ जोड़ते थे, मैडम सर हाँ हाँ ठीक है जाओ, उस प्रकार से चल रहा था। पहली बार किस प्रकार से जनता के साथ कनेक्ट होना चाहिए, जनता का स्पर्श कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। हार्ड वर्क कभी भी डिमेरिट नहीं होता है, हमेशा मेरिट होता है। सबसे बड़ा एग्जाम है ये 2012 से एग्जाम पे एग्जाम हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ एक ही विद्यार्थी एग्जाम में बैठ रहा है, बाकी विद्यार्थी कहाँ नदारद है। लेकिन ये विद्यार्थी कहीं रात की पढ़ाई करके तो नहीं सोच रहा कि सुबह मैं फुल मार्क्स ले आऊंगा, क्योंकि जो पूरे साल नहीं पढ़ता है वो आखिरी रात बहुत पढ़ाई करता है। जो पूरे साल नहीं पढ़ता है वो आखिरी रात चिट बनाता है, चिट कि कैसे कहां से चिट निकाल के कॉपी करेगा। जो पूरे साल पढ़ता है वो आखिरी रात भी मेहनत करता है, मेहनती तो आखिरी समय तक मेहनती होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे समय पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, पूरे समय मेहनत करने वाले। काशी क्यों तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कैसे देखिए, पहली बार का वही हाल है। देखिए काशी पे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कम समय में, मैंने खुद देखा है, 80 घाट की सफाई हुई है। दूसरा है केबल्स, जो केबल इलेक्ट्रिक केबल्स जो ऊपर होते थे, जब वो 2014 में कैंपेनिंग करने गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं इसको व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि ये केबल अंदर जाए, एक बहुत बड़े सेगमेंट पे ये अचीव हुआ है, बाकी जगह धीरे धीरे हो रहा है। आप लिंक रोड का देखिए, एयरपोर्ट रोड को बड़ा किया गया है। तीसरी बात आप देखिए, ट्रॉमा सेंटर खोला गया है, कैंसर इंस्टीट्यूट खोला गया है, और आप ये भी देखिए टेक्सटाइल सेंटर, फैसिलिटेशन सेंटर जो वीवर्स के लिए है, टेक्सटाइल्स के लिए है, एक 2.5 वर्ष की अवधि में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई, 2.5 वर्ष में इतना डेवलपमेंट हुआ है, और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ ये साधारण व्यक्ति नहीं है। आखिरी सवाल, बिल्कुल, चुनाव नहीं होता तो जाते 3 दिन रहने के लिए? चुनाव हो या नहीं हो, ये कभी भी राजनीति के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी काम नहीं करते हैं, हमेशा विकास हो। और उत्तर प्रदेश में हमारा आना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि उत्तर प्रदेश को भी मध्य प्रदेश और गुजरात की तरजीह पर, उत्तर प्रदेश के लोग सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं देश के, उनको क्यों वंचित रखा जाए विकास से, इसीलिए प्रधानमंत्री मेहनत कर। चलिए अब तो 11 करीब है, नतीजे होंगे सामने, देखते रहिए।